नमस्कार दोस्तों, सी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। अब इन न्यूमेरिकलों में दोस्तों क्वेश्चन में जो फार्मूला लगेंगे उनको भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे मैंने यदि कवर नहीं कराया फार्मूलों को तो उनको मैं इनमें बता दूंगा, तो उन फार्मूलों को आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि 5 ओम प्रतिरोध, पहले जो जो दिया रहे उसको अपन लिख लेंगे, ठीक है ना। प्रतिरोध दिया है मतलब R बराबर दिया है 5 ओम, ठीक है दोस्तों। कितना ओम? 5 ओम। R बराबर 5 ओम। एक तार में 3 एम्पियर की धारा, मतलब दोस्तों I बराबर कितना है? 3 एम्पियर, ठीक है ना। 3 एम्पियर की धारा 4 मिनट तक बहती है। टाइम बराबर दोस्तों 4 मिनट। क्या है? 4 मिनट। 4 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे दोस्तों तो 60 का गुणा कर देंगे तो 240 सेकेंड हो गया। ये हो गया दोस्तों टाइम आ गया। अब तार के किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, ठीक है ना। ये चीज भी आपको याद होना चाहिए, ये तो हमेशा मैं कहता हूँ याद कर लीजिए। तो परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब दोस्तों आपको एन निकालनी है। एन हमारे हमको पता नहीं तो एन बराबर क्या है? अज्ञात है, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला क्या चाहिए यही तो समझना है। तो यहाँ धारा है, समय है, ठीक है। तो धारा, समय और दोस्तों आपको पता होगा एक एक आवेश पर, मतलब सॉरी आवेश पर एक सॉरी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मान आपको पता है। अब इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? एन की वैल्यू। तो इसके लिए सूत्र पढ़ना लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सूत्र क्या होता है कि चूंकि आवेश बराबर कुल आवेश कितना होता है, समझिएगा, कुल आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसमें एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल आवेश के बराबर होता है। मैं फार्मूला निकाल रहा हूँ, क्यू बराबर एन ही होता है, होता है कि नहीं? वो कैसे भी होता है दोस्तों, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश ई, तो जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनका नंबर हो गया। अब दोस्तों एक चीज और आप पढ़े होंगे कि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय, I इंटू टी। अब इन दोनों को यदि कंपेयर कर दें, ये मैं सूत्र निकाल रहा हूं दोस्तों, क्यों क्यों समान है ना, तो यानी E बराबर I इंटू टी। तो दोस्तों यदि मैं N की वैल्यू निकालूं तो I इंटू टी बटे N, सॉरी E, ये हो गया आपका सूत्र। तो यहां पर N बराबर लगेगा I इंटू टी बटे E, ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। I क्या है? धारा है। T क्या है? समय है। E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। अब यहाँ पर अपन मान रख देते हैं, यहाँ पर मान रख दें तो I की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 एम्पियर, है ना। T की वैल्यू कितनी है दोस्तों? तो 240 सेकेंड, और दोस्तों E की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे अपन कि 3 × 24 कर देंगे और एक जीरो वही है, यहाँ से दशमलव हटेगा तो 1 10 का और गुणा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर धारा कितना है? 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ही है, ठीक है। धारा कितना है? 3 एम्पियर। अब आगे यदि हल करें तो 10⁻⁻⁹ माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? -19। अब यदि इसको कैलकुलेट करें तो 4 से कट रहा है, 4 × 16 और 4 × 6 = 24, ठीक है दोस्तों। और यदि काट दें इससे 4 से तो 15 × 6 = 60, 15 × 6 = 60 कट गया ना। अब दोस्तों आपके पास 15 × 3 = 45 है, 15 × 3 = 45 है, और ये दोस्तों माइनस है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻⁹ को प्लस में लिख देंगे। अब दोस्तों यदि इसको कैलकुलेट करें तो 45 × 1 10 यहाँ पर 19 यहाँ, तो 10⁻⁹ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे दोस्तों यदि इसको दशमलव को यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें तो 10 और बढ़ जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। ये दोस्तों आपके पास आ गया क्या? आपके पास जितने एन होंगे, कहने का मतलब जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसकी संख्या मिल गई। तो इस प्रकार से संबंधित सारे क्वेश्चनों का हल आप कर सकते हैं। इससे मैं कम से कम हर क्वेश्चनों का, मतलब हर टाइप का एक क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। आप अपने बुक्स में भी अपने क्वेश्चन उसी टाइप से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक तार में 10 मिनट समय दिया है दोस्तों, जो भी दिया हो उसको पहले करें। टाइम दिया है टाइम 10 मिनट। अब 10 मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10 × 60 बराबर दोस्तों 600 सेकेंड, 600 सेकेंड आ गया, ठीक है ना। ये दोस्तों 600, टी बराबर आ गया आपके पास 600 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड है ये, ठीक है, आपके पास टी आ गया। आगे पढ़िए, मिस 30 कूलाम आवेश, यानी क्यू की वैल्यू आ गई कितनी? 30 कूलाम,
तीस कूलाम आवेश, ठीक है, तीस कूलाम आ गया आपके पास क्यू, प्रवाहित हो रहा है तो धारा में, सॉरी तार में धारा का मान निकालना है, तार में धारा का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो I बराबर क्या होता है दोस्तों, धारा समय के साथ, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब वैल्यू रख दें, क्यू की मान कितने दोस्तों, क्यू का मान है 30 और दोस्तों टी का मान है 600। यदि जीरो से जीरो काट दें, तीन दूनी छः कर दें, है ना, तो एक बटे कितना हो गया 20, ठीक है। यदि इसको काटेंगे तो भाग न पहुंचे लद्दे सुन दशमलव लग जाएगा दोस्तों, और फिर एक जीरो, 20 पंचे 100, यानी धारा आ गया दोस्तों 0.05 एम्पियर, आंसर आ गया। कितना ईजी है दोस्तों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में केवल डायरेक्ट सूत्र लगाओ और आंसर लाओ, लोगों को बहुत कठिन लगता है, समझ नहीं पाते हैं कि किस टाइप से हल करना, लेकिन ईजी बहुत होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, बिंदु ए से बी की ओर 10⁻³ सेकेंड, जो भी दिया है उसको पहले लिख लें, टाइम दिया है दोस्तों कितना 10³ सेकेंड। अब सेकेंड को कुछ नहीं बदलना, यदि मिनट दिया होता तो उसको सेकेंड में बदलती। मैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दोस्तों, एन बराबर 10⁹, ये भी दिया है। तो विद्युत धारा का मान एवं दिशा, ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान यानी आई निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था टोटल क्यू होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश में एन का गुणा करने पर, और क्यू होता है दोस्तों धारा गुणे समय। यदि दोनों को तुलना कर दें तो आई टी बराबर एन ई, अब मुझे टी निकालना है तो एन ई बटे आई, मतलब दोस्तों सॉरी यहाँ यदि मैंने मुझे आई निकालना धारा तो एन ई बटे टी, तो आई निकालना दोस्तों एन ई बटे टी टी, ठीक है। अब दोस्तों आई का मान हमको ज्ञात करना है, एन का मान 10⁹, और दोस्तों ई का मान, ई का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो आपको पता होना चाहिए। और टी कितना है दोस्तों, तो टी 10⁻³ है, ठीक है ना, 10⁻³ है। इस प्रकार से दोस्तों यदि ये -3 है, ऊपर जाके प्लस होगा तो 9³ हो जाएगा, 9³ हो जाएगा, और 1.6 है इंटू 10⁻¹⁹ है। अब यदि इसको हल करें दोस्तों, तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 19 है, तो 19 में 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁷, 1.6 × 10⁻⁷ धारा दोस्तों, तो इसको क्या लिख देंगे, एम्पियर, एम्पियर यही आ गया धारा की दिशा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए, इसमें पूछा क्या क्या था, इसमें पूछा था विद्युत धारा का मान एवं दिशा। अब इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रही है दोस्तों, तो धारा बी से ए की ओर बहेगी, आपको नीचे लिख देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है धारा के विपरीत बहता है, इसलिए यदि धारा ए से बी की ओर बह रही है, सॉरी यदि इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रही है तो धारा बी से ए की ओर बहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको तीन क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के लिए तीन ही क्वेश्चन दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को देखते रहें, हर वीडियो को देखें, क्योंकि मैं सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं, और सोचता हूं इजी से इजी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगे, क्योंकि दोस्तों पूरा निष्पत्ति करा देता हूं कि फार्मूला कैसे लग रहा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताया करिए दोस्तों कि कैसे लग रहा, क्योंकि मनोबल हमारी बढ़ती है यदि आप कमेंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।